डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे चैप्टर्स और उन्हीं चैप्टर्स के दौरान किसी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि सर हमको क्वेश्चन आंसर कैसे याद करना चाहिए। मैं आगे के क्वेश्चन याद करता हूँ, पीछे के बोलता चला जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जिस वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर के समाधान किस प्रकार से करना है। आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमको क्वेश्चन आंसरों को याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हमारे पास हिंदी का पेपर होता है, हिंदी के पेपर में हम क्वेश्चन आंसर को केवल ऐसे ही पढ़ लेते हैं और जाके अपने तरीके से उसको आंसर दे आते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमको क्वेश्चन आंसरों को याद करने की ज़रूरत क्यों है, हम उनको क्वेश्चन आंसर को याद क्यों करें? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आंसर को याद करता हूँ तो उस समय पर आप ये चीज़ भूल जाते हो कि जैसे हम किसी भी चीज़ को इंग्लिश में याद करेंगे तो इंग्लिश में याद करने के लिए जब अपन उसको बार बार रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, उसको बार बार मेमोराइज करते हैं, और मेमोराइज जब कर रहे होगे तो ध्यान से सुनना कौन कौन सी कमियां आप छोड़ देते हो। मैं आज वही बताऊंगा आपको कि आप मेमोराइज करते हैं तब उस समय पर कौन कौन सी कमियां रह जाती है। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो देखा जाए तो आप लोगों को हिंदी की तरह ही इंग्लिश में आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि आप सारी चीज़ों को मेमोराइज करोगे, सारे वर्ड्स, जैसे अपनी पूरी इंग्लिश की बुक है, पूरे बड़े इंग्लिश में कंपोजिशन वगैरह, अगर उसको आप लर्न करोगे तो सारी चीज़ें आपको लर्न नहीं हो पाती है ना, सारी चीज़ें याद नहीं होगी। आप मेमोराइज करोगे, आगे की याद करोगे, पीछे भूलते चले जाओगे, ऐसा कुछ ही आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप इसको छोड़ करके अपना खुद का सेंटेंस पैटर्न बनाते हो, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों को हिंदी में कोई चीज़ याद है और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिखते हो, तब उस दौरान आप लोगों को चांसेस बन जाते हैं कि पूरे पूरे जो सिलेबस आप उसको कवर कर पाओ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जो विद्यार्थी हैं जो अपना सेंटेंस पैटर्न बना सकते हैं, अपना खुद का सेंटेंस बना सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तो इस प्रकार से मेमोराइज करने वाली चीज़ें ही नहीं देखनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेंटेंस पैटर्न नहीं पता होता, वो नहीं जानते कि सेंटेंसों को कैसे लिखा जाए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको देखनी है। तो देखते हैं, मेमोराइज करते वक्त जैसे हम याद करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस वक्त कौन कौन सी कमियाँ आप छोड़ देते हो। तो देखो, पहला जो सबसे बड़ी कमी आती है वो है, आप जब कभी कोई भी सेंटेंस याद करते हो या पूरा क्वेश्चन याद करते हो तो उस दौरान आंसर्स में से सारी लाइनों को एक साथ याद करने की कोशिश करते हो, यानी एक फुल लाइन जो होती है हमारी, उस फुल लाइन को पूरी याद करने की आप कोशिश करते हो। आप पूरी याद करोगे, पूरी लाइन याद करते वक्त आपने एक लाइन याद की, दूसरी लाइन याद कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट जो लाइन में अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगा तो आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ साथ ही उस लाइन को छोड़ देंगे। तो दूसरी बात है, इसी के साथ साथ जुड़ जाती है एक स्पेलिंग, कौन सा वर्ड बच जाता है, एक स्पेलिंग। अभी स्पेलिंग में क्या सिस्टम है, जैसे आपने एक लाइन पूरी याद की, आपने अगली लाइन याद की, तो उस दौरान फर्स्ट लाइन में जो स्पेलिंग रह गई थी, स्पेलिंग का मतलब जो मीनिंग आपको हार्ड लगी थी या कह सकते हैं एक न्यू वर्ड उसमें आ गया था जो आप उसको भूल गए, तो उस दौरान क्या होता है, आप फर्स्ट लाइन को भूल जाते हैं और सेकेंड लाइन केवल याद रह जाती है। जब आपको फर्स्ट लाइन ही याद नहीं है तो आपके नीचे का जो स्ट्रक्चर है याद करने का, नीचे के जो तरीका है, वो सारा बिगड़ जाता है। तो कौन कौन सी कमी कर रहे हो, सबसे पहले कौन सी बात हो रही है, आप क्या कर रहे हो, फुल लाइन को याद करते हो। मैं ये कहूँगा आप फुल लाइन याद ना करो। दूसरी बात कौन सी है कि आप स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। स्पेलिंग का मतलब कैसे इसको सोल्व करेंगे वो आप ये बता रहा हूँ मैं आगे। और उसके बाद तीसरी कमी ये रहती है इसमें कि आप किसी भी चीज़ को वर्बल तरीके से याद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्बल, मौखिक रूप से आप मुंह से रट लेते हो, इसको मेमोराइज कर रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। एक तीसरी कमी ये रह गई। उसके बाद एक और सबसे बड़ी कमी जो इन तीनों पर भारी पड़ती है वो सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंसों का पैटर्न। ये सबसे बड़ी कमी है इसमें कि आप सेंटेंस पैटर्न जो है उसको लागू नहीं कर पाते। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर देखते रहे और कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको किस प्रकार से किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना है। मेमोराइज करते वक्त तीन चार कमियाँ हैं जो हम बार बार कर रहे हैं। कौन कौन सी कमियाँ हैं, एक तो फुल लाइन, आप फुल लाइन को याद करते हो, पूरी पूरी लाइन याद कर रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है, आप एक लाइन याद कर रहे हो, दूसरी लाइन याद कर रहे हो, तीसरी जब याद करोगे तो फर्स्ट लाइन जो है वो भूल जाते हो, तो ये कमी रह जाती है। दूसरी बात स्पेलिंग यानी कि मीनिंग्स, जब सेंटेंस में कोई भी हार्ड वर्ड नज़र आ जाता है या फिर आपको पास में कोई नया वर्ड आ जाता है
तो उस नए वर्ड को आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार याद करते हो कि इसमें ये आया था, इसमें आया था, और आखिरकार ऐसा होता है कि वो याद करते करते पिछली लाइन साफ हो जाती है। तीसरी बात कौन सी बताई है मैंने, कि आप वर्बल रूप से यानी कि मौखिक रूप से किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिटन में नहीं करते, और जो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एंड फोर्थ है इसमें सेंटेंस का पैटर्न, आप सेंटेंस को पैटर्न को किस तरीके से समझे, किस तरीके से याद करें, वो आप यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमें इसे याद कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी कि आप फुल लाइन याद कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करें, तो मैं आज बात कर रहा हूँ सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न की ओर, सेंटेंसों का पैटर्न। तो सेंटेंस पैटर्न किस तरीके से बनाना है वो देखते चलो। दूसरी बात आ रही है अपने पास में स्पेलिंग, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे लेना है, तो देखो स्पेलिंग। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप कभी भी याद करते हो तो क्या करना है, आप एक पूरा पूरा आंसर पढ़ो, कंप्लीट पढ़ने के बाद में जैसे फर्स्ट लाइन आई और फर्स्ट लाइन में आप स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में कौन कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपके लिए हार्ड है, कठिन है, और ऐसी कौन कौन सी स्पेलिंग है, मीनिंग आ रही है, जो आपके लिए कैसी हो, न्यू हो, न्यू वर्ड्स और हार्ड स्पेलिंग्स। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए इस सेंटेंस में, देखो कि कौन कौन सी तो मीनिंग नई आई है और कौन कौन सी आपके लिए हार्ड मीनिंग है, तो उनको आप क्या करो किनारे में लिख लो कि हाँ भाई ये नई नई मीनिंग है, ये नए हार्ड वर्ड आए हमारे लिए, तो ये हमको दिक्कत कर सकते हैं, तो आप पहले तो उसको एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिखने के बाद उसको अच्छी तरह से लर्न कर लो कि इसकी इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, जब बात करता हूँ मैं सेंटेंस पैटर्न की, तो ये सेंटेंस पैटर्न क्या है, तो आप जब भी कभी पढ़ो तो सबसे पहले आप देखते होंगे सेंटेंस को जब उत्तर दे रहे हो तो सबसे पहले क्या आता है अपने पास में, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, वर्ब। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद देखो, तीन चीज़ें तो आपको नॉर्मली सब में ही मिलती है, सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद वर्ब मिल जाएगी, उसके बाद अपना क्या आता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद कई जगह आपको क्या मिल सकता है, कोई भी प्लेस से संबंधित कोई भी शब्द, प्लेस स्थान, यानी कि हो सकता है आपको कोई सेंटेंस में स्थान के बारे में जानकारी दे रखी हो सकता है आपके पास में कोई भी टाइम के लिए जानकारी दे रखी हो, समय के लिए भी जानकारी दिया हो सकता है, हो सकता है आपके पास में कोई भी किसी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, या हो सकता है अन्य चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो इसका मतलब अदर। तो इन चीज़ों का आपका विशेष ज्ञान होना जरूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस का पैटर्न ये चलता है हमारा। सबसे पहले आपका देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, उसके बाद कोई भी आपको हो सकता है सेंटेंस में प्लेस के बारे में जानकारी दे रखी हो, स्थान के बारे में, हो सकता है टाइम के बारे में जानकारी दे रखी हो, या फिर हो सकता है कि किसी वस्तु के बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन दी हो। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कई बार हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस में इस प्रकार से आता है कि अपन को पता ही नहीं पड़ता सब्जेक्ट क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई भी कम्प्लीमेंट, उसके बाद कोई भी प्लेस से संबंधित जानकारी, या फिर टाइम से संबंधित जानकारी, या फिर कोई भी अन्य जो जानकारी है, इस प्रकार से ये आपको ये सेंटेंस का पैटर्न होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आती है, आप लोगों को क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखो कि सब्जेक्ट, हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है आपका एक अकेला वर्ड भी हो सकता है, ए वर्ड भी हो सकता है, और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। यानी कि ये क्या चीज़ें आ रही है अब, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का भी हो सकता है, और साथ साथ सब्जेक्टों जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे शब्दों का भी समूह हो सकता है। कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए मैन इज सिटिंग, जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है, ए मैन इज सिटिंग, तो यहाँ पर आपने जो शब्द देखा वो क्या है, ए मैन, यानी कि एक आदमी है। ओनली मैंने सब्जेक्ट के तौर पर किसको लिया है, मैन को। लेकिन जैसे मैं इसी को बोल दूँ ए क्लेवर, ए हैंडसम एंड क्लेवर, क्लेवर मैन इज सिटिंग, तो आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिया वो क्या लिया, हैंडसम एंड क्लेवर मैन, कम्प्लीटली ये क्या है, पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। और ध्यान से सुनना, जब ये इतना लंबा पूरा सब्जेक्ट है तो इसको कहते हैं एक सब्जेक्टिव फ्रेज, क्या बोलते हैं इसे, एक सब्जेक्टिव फ्रेज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसको कम्प्लीटली पूरे के पूरे को लर्न करो एक साथ। ये नहीं है कि आपने पहले इस हैंडसम याद कर लिया, फिर एंड क्लेवर याद कर लिया, फिर मैन लगा लिया, नहीं, कम्प्लीटली आप इस पूरे के पूरे को ही याद करो,
उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ देखनी है वो आपको क्या देखनी होती है, वर्ब। हो सकता है कई बार वर्ब भी सिंगल हो या फिर सिंगल के अलावा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें भी आ जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर तो अपन ने सिंगल वर्ब दे दी, ए सिटिंग आ रही है यहाँ पर। हो सकता है इसके बाद में ऑन द ट्री या ऑन द बेंच कुछ भी रख सकता है वो। तो आपने देखा सिटिंग के साथ में अपन ने लगा दिया ऑन, बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद भी नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही है वो जानकारी देना कि कहाँ बैठा हुआ है, द ट्री या द बेंच। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि सबसे पहले आप किसको देखो सेंटेंसों में, सब्जेक्ट पैटर्न को देखो। हो सकता है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो। हो सकता है वर्ब एक वर्ड की हो या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इनमें क्या फ़र्क है कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट कैसे पता पड़ेगा, कंप्लीमेंट कैसे पता पड़ेगा, तो वो भी आप थोड़ा समझ लो यहाँ पर। कि जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, एक सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम ए टीचर, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं आई टीच इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई एम ए टीचर और सेकंड सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश। मैं ऊपर वाला कहता है मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ जो आप वर्ब देखोगे वो क्या वर्ब है, एम। अब एम का मतलब है हूँ यानी कि होना। क्या आप इसके बारे में बता सकते हो कि ये एक्शन वर्ब है, होना। होना का मतलब तो केवल स्वतः ही होता ही है, कोई काम थोड़ी कर रहा है वो। इसका मतलब ये एक एक्शन वर्ब नहीं है, और जब ये एक्शन वर्ब नहीं है तो ध्यान सुनना, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं माना गया तो ये क्या माना जाएगा, इसका कंप्लीमेंट। क्या माना जाता है इसका, ये कंप्लीमेंट। जबकि सेकंड जो सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या पढ़ा रहा है वो, इंग्लिश। तो ये देखो ये एक एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों के बारे में समझना है। तो आप किसको देखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को याद करो तब, फिर उसके बाद क्या देखोगे, वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट को, उसके बाद आप देखो सेंटेंस में कोई प्लेस के बारे में जानकारी दे रखी होगी, हो सकता है, या फिर टाइम के बारे में जानकारी दे रखी होगी। तो इनको क्या है, अलग अलग टुकड़ों में बांटना है आपको। इन सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट को अलग लिख लो, वर्ब को अलग लिख लो, ऑब्जेक्ट को अलग कर दो, कंप्लीमेंट को अलग कर लो, प्लेस संबंधी कोई जानकारी दे रखी है तो उसको अलग कर दो, या फिर टाइम को अलग कर लो, या फिर कोई भी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दे रखी है तो इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, चलो इसको देखते हुए कि आपको इस प्रकार से कैसे समझना है इसको। कोई भी आंसर मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर यहाँ, बस स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है पूरे कंप्लीट देखो। द राइटर हैज रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द इनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, सी वांट्स दैट द वुमेन शुड हैव देयर ओन रिकॉग्निशन थ्रू द स्टोरी। द गिटार प्लेयर द वाइट राइटर वांट्स टू से दैट द मैन शुड चेंज द हिज मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन रेस। अब इतने लंबे पूरे हमारे पास सेंटेंसेज आ रहे हैं, किस प्रकार से लर्न करें। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला आपसे कि आप लोगों को स्पेलिंग निकालनी है। कोई भी अगर हार्ड स्पेलिंग आपके पास में आ रही है या हो सकता है कोई न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है तो उसको एक तरफ लिख लो। जैसे रिकॉग्निशन आ गया यहाँ पर, रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, अपनी खुद की पहचान, तो इसको एक तरफ लिख लिया। फिर उसके बाद आप क्या करो कि वर्बल इसको पढ़ के चलो। द राइटर हैज़ रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द इनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन। मैंने क्या बोला आपको, सेंटेंस का पैटर्न निकालना है। सेंटेंस पैटर्न में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट। तो हमारे पास देखो एक अलग अलग कर लो, पहले एक तो याद कर लिया अपने किसको, द राइटर को। फिर उसके बाद क्या करो, वर्ब अपने पास क्या आ गई, हैज़ रेज्ड। इस प्रकार से एक एक शब्दों को याद करना है, द राइटर हैज़ रेज्ड, फिर क्या हो गया, हर वॉइस एक साथ हो गया, उसकी आवाज़। तो राइटर ने उठाई उसकी आवाज़ क्या, इसके अगेंस्ट द इनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन। ये कंप्लीट पूरा का पूरा एक का एक है, अगेंस्ट द इनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन। ये कम्प्लीटली आपको किसके विरुद्ध उठाई, एक जानकारी दे रखी है कि इनइक्वल स्टेटस यानी कि असमान जो स्तर है किसका, ऑफ वुमेन यानी औरतों का, महिलाओं का, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक का एक लेना है कम्प्लीटली। जैसे सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले ली, ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर किसी के बारे में जानकारी दे रखी है, तो इसको कम्प्लीटली लर्न करने की कोशिश करो। ये नहीं कि अगेंस्ट पहले लिख लिया फिर द इनइक्वल इस प्रकार से याद करो, नहीं, आपको कम्प्लीटली इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक याद कर लिया। फिर अगला सेंटेंस की ओर बढ़े, सी सब्जेक्ट हुआ, सी वांट्स, वो चाहती है, दैट की जोड़ कंजक्शन की से, उसके बाद फिर वापस सब्जेक्ट, फिर ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसके बाद देयर ओन,
रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान। तो इस प्रकार देखो, सी वांट्स, वो चाहती है दैट की, सेंटेंस में की लग गया, इसका मतलब कंजक्शन जुड़ा। फिर आगे देखो, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को कर लिए एक साथ याद, शुड हैव पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके पास, देयर ओन रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान, एक साथ याद करना है, देयर ओन रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली एक एक को छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में आप मीनिंग याद कर लो, दूसरे स्टेप में आपको इस प्रकार से पैटर्न को पढ़ो, पैटर्न किस प्रकार चल रहा है, उसके बाद इस पहले सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया कि यह इसका सब्जेक्ट है, इसके बाद ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसको अलग अलग करते चलना। और करने के बाद जैसे ही अपने पास ये पूरा कंप्लीट याद हो जाता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ध्यान रखना है आपको, इसको वर्बल तरीके से याद करने के बाद में इसको रिटन में, लिखित में भी इसको याद करना है। आप गलती करते हो, वर्बल तरीके से याद करते हो, उसके बाद रिटन में याद नहीं कर रहे हो, तो रिटन में ज़रूर याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर वापस से भूल सकते हो। तो आपको रिटन में एक बार फिर से याद करना है, और साथ ही साथ चौथी बात ये कहना है, देखना है कि आप लोगों को इसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो भी पता होना चाहिए। आप ये नहीं है कि आपसे बनाना नहीं आता सेंटेंस को, आप इंग्लिश में बना नहीं सकते, लेकिन आपको इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन इसका होना ज़रूरी है। आप लिख क्या रहे हो, आपको इसका पता होना ज़रूरी है। आप चाहे इसको बना नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है, केवल मेमोराइज करते हुए भी आप सेंटेंसों को लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखना है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये तरीका मेरे हिसाब से तो गलत ही मानूंगा मैं, क्योंकि आप लोग इस तरीके से एक निश्चित सीमा जो होती है वहाँ तक ही पहुँच पाओगे। आपको क्या करना होगा इसके आगे लिए, तो आप लोगों को कभी भी ध्यान रखना कि जब कभी आप आंसर देते हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको खुद को आंसर देना है। आप अपने शब्दों में आंसर दोगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा, और आप इसी तरीके से ही आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज इसमें तो आप देखते रहना कि आप लोगों के पास में जितने वर्ड हैं आप उतने ही लिखोगे, इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहना इतना ही रहेगा कि आप लोग अपने हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेटर है। इन तरीके से अगर लिखोगे तो आप, ये केवल एक लोअर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कारगर हो सकता है, अदरवाइज जो होशियार विद्यार्थी है उन लोगों को तो अपने स्वतः ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आगे हो सकता है कि मैं आप लोगों का, अगर आप मेरे से बोलते हो कि सर सेंटेंस को किस प्रकार से बनाए, तो उस तरीके से भी आपको मैं बता सकता हूँ टेंस के आधार पर। टेंस आपने जानते होंगे सारे, तो टेंस जिसने भी पढ़ रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक तरीका का स्ट्रक्चर वो भी बता दूंगा कि आप एक बहुत लंबा पूरा अगर सेंटेंस आता है तो आप किस प्रकार से उस सेंटेंस को बनाओ, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना सर बताना है या नहीं बताना। तो आगे हम हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उनको आगे बढ़ते चल रहे हैं, और मिलते हैं आपसे नई क्लासेज में।